नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आलू की बात। आज संडे है तो मंडी बंद है, और कुछ लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे कि आलू को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि मैं आलू को किस तरीके से देख रहा हूँ। अभी तक आपने दूसरे लोगों के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि वो कैसे देख रहे हैं उसको, तो उनकी बातचीत आपने सुनी, और आज मैं भी आलू के कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करूंगा कि जैसे इस बार आलू इतना सस्ता क्यों है, आलू की पैदावार कैसी है, आलू की गड़ाई जो है कैसी हुई थी, अभी तक आलू की खुदाई कितनी हो चुकी है, क्या पोजीशन है खुदाई की, अभी कोल्ड स्टोरों की क्या पोजीशन है, और कोल्ड स्टोरों की पोजीशन आगे क्या रहने वाली है, आगे आलू के भाव कैसे रह सकते हैं, इस पे भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, और बंगाल में आलू की पोजीशन कैसी है। तो इस सब पे बात करूंगा। और एक चीज जो है मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है केवल, जो और लोगों ने अपना वक्तव्य दिया और लोगों ने बताया वैसे ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं कि मैं आलू को किस नजरिए से देख रहा हूं। इसका अमल में लाने से कोई सरोकार नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मेरी बात सुन के कोई अपना आलू रोक ले या कोई अपना आलू बेच दे या अपना कोई आलू स्टोर कर दे। इस बात से इसका कोई सरोकार नहीं है। आप मेरी बात सुने, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है, और अलग होगा ही, मतलब हो सकता नहीं, होगा ही। जितने भी लोगों से पूछूंगा तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो आप अपने आलू का क्या करना है वो तो आप मेरी बात सुने, लोगों की बात सुने, अपने और अजीज मित्रों से बात करें, और जो जहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वहां से इंफॉर्मेशन लें, तो उसके हिसाब से आप अपना स्वयं का डिसीजन लें। मेरी इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है कि कोई अपना आलू रोक ले, कोई अपना आलू बेच दे या कोई अपना आलू स्टोर कर ले, इस बात से इसका कोई सरोकार नहीं है। तो इन सब बारे में बात करूंगा आज। सबसे पहले तो इस बात पे बात करता हूं कि आलू इस बार इतना सस्ता क्यों बिक रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार एक र्यूमर चला कि आलू की बम्पर पैदावार है, आलू का बम्पर पैदावार है, आलू की बम्पर प्रोडक्शन है, आलू बहुत ज्यादा गड़ा है। तो ये चीज खबर इतनी बुरी तरीके से फैल गई जिसने दहशत फैला दी सब में कि आलू की वास्तव में बम्पर पैदावार है, कोल्ड में आएगा नहीं, छतों के ऊपर रखा जाएगा, ऐसी 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 बातें आई। लोगों ने फोटो फरुखाबाद की भी डाले कि फरुखाबाद में जब कहीं लाइन नहीं थी तब लोगों ने फोटो डाले फरुखाबाद के कि देखो फरुखाबाद के सारे स्टोर फुल हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि यहाँ अभी भी गेट खुले हैं फरुखाबाद के सारे। तो इन सब अफवाहों से जो है आलू पे बहुत फर्क पड़ा, और इससे लोगों के मन में ऐसा आ गया कि वास्तव में किसान के मन में भी ऐसा आ गया कि आलू बहुत ज्यादा है, तो उसने आलू को एकदम बेचना शुरू किया। भाई किसी कंपनी का शेयर होता है तो वो कब डाउन होता है, जब एक कंपनी के शेयर लोग ज्यादा लोग बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं, सा हर कोई उस शेयर को बेचना चाहता है। आपने अडानी का शेयर देखा एकदम ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि जैसे ही एक कंपनी की एक न्यूज एजेंसी की खबर आई कि नहीं भैया इनका तो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो लोगों को उस पर शक होने लगा और लोगों ने शेयर फटाफट बेचना चालू किया। तो जो जिनका विश्व में रहस्यों में नाम था वो आज जो है नीचे की लिस्ट में सरक गया है। कितना हो गया है क्या हो गया वो उस बात में चर्चा नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं कि जब कोई किसी कंपनी का शेयर जो है आदमी बेचने में इंटरेस्टेड होता है, लगातार बेचने लगता है, हर आदमी बेचेगा खरीदेगा कोई नहीं, तो उस टाइम पे मार्केट की ऐसी पोजीशन होती है। और ऐसा ही इस बार आलू में हुआ है कि लोग आलू को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हुए कोई भी, क्योंकि सबके दिमाग में यह है कि आलू बहुत ज्यादा है, आलू की बम्पर पैदावार है, तो इसके लिए किसी ने कोई भी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हुआ, हर आदमी बेचने में इंटरेस्टेड हुआ। इवन किसान ने भी ये सोचा कि मैं इस आलू को कोल्ड में रख के भी क्या करूं, उसने कोल्ड में रखना भी उचित नहीं समझा, उसने 200 रुपए में बेचना उचित समझ लिया, कि उसने सोचा आलू तो फिका ही जाना है, तो अब मतलब उसने भी बेचना ही शुरू किया। तो जब मार्केट में खरीदने वाला कोई नहीं है और सब बेचने वाले हैं, तो मतलब किसी चीज खपत तो खपत है, आलू एक सब्जी है, तो सब्जी लोग जहां जितनी खाते होंगे उतनी तो खाएंगे,
अब जैसे यहाँ पे इस टाइम पे मंडी में लगभग हम एवरेज मान लें तो 200 मोटर के आसपास आलू जा रहा है, और पक्की सीजन में जब आलू 200 मोटर जाता था तो उसमें से आधा आलू कोल्ड स्टोर में जाता था, और आधा मतलब कोल्ड स्टोर में जाना मतलब स्टॉक हो रहा है, और आधा आलू मार्केट में जाता था। तो मार्केट से मार्केट की जरूरतें पूरी होती थी, जहां 10 मोटर की जरूरत है तो वहां पे 10 मोटर आलू पहुंच रहा है, और जहां पे 8 मोटर की जरूरत है वहां पे 8 मोटर आलू पहुंच रहा है, तो वहां पे मार्केट बैलेंस बना रहता था, और जो एक्स्ट्रा आलू है मतलब 50% वो कोल्ड स्टोरों की तरफ मूव हो जाता था मंडी से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। टोटल का टोटल आलू जो है फरुखाबाद की मंडी का आलू जो है टोटल का टोटल मार्केट में सप्लाई हो गया। अब जहां 10 मोटर की जरूरत है वहां पे आप 15 मोटर पेल दोगे तो क्या होगा, जहां पे 8 मोटर की जरूरत है वहां पे आप 12 मोटर कर दोगे तो क्या होगा। लेकिन खरीदने वाला भी क्या करे, यहाँ पे कोल्ड स्टोर जा नहीं रहा है तो उसने जितना भी आलू खरीदा और सब जैसे तैसे, अगर उसने बिल्टी में लिया तो बिल्टी में, बिक्री में लिया तो बिक्री में, जैसे भी करके उसको मतलब उसने पहना दिया। और जब वहां पे 8 मोटर की डिमांड है 12 मोटर पहुंचेगा, या 10 मोटर की डिमांड है वहां 15 मोटर पहुंचेगा, तो वहां भी बिक्री नहीं होगी, इसलिए सारी मंडियां जो है भर गई आलू से और आलू की उतनी डिमांड ही नहीं रही। तो जब जरूरत भर को आलू मिलता तो मतलब वो हिसाब से बिकता रहता, लेकिन इसीलिए आलू का मार्केट जो है वो धराशायी हो गया, और किसान ने भी जरा भी पैसेंस नहीं दिखाया कि वो भाई अपने आलू को स्टोर कर ले या डंप कर ले, तो उसमें भी वो बहुत कम गया। उसने सोचा कि आलू तो जा रहा है तो अब जो है इसको जाने दो और आगे मक्का की फसल जो है बोलो, तो वो मक्का मूंगफली में इंटरेस्टेड हो गया, उसने सोचा आलू तो गया। इस सोच की वजह से जो है आलू का मार्केट इतना धराशायी हुआ। अगर किसान थोड़ा पैसेंस रखता तो शायद ही मार्केट ये नहीं होता, और अगर लोगों की सोच में तब्दीली अगर ये आती कि नहीं आलू मतलब इतना ज्यादा नहीं है। अरे भाई मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आलू इस बार 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया, और प्रोडक्शन क्या किसी के खेत में जैसे मतलब 50 60 पैकेट 70 पैकेट निकलते हैं तो क्या इस बार 120 पैकेट 140 पैकेट 150 पैकेट निकलने लगे, ऐसा हुआ क्या किसी का, कोई किसी का हुआ हो ऐसा, किसी का 150 पैकेट बीघा का निकला हो, किसी का 120 पैकेट बीघा का निकला हो, तो भाई कमेंट में जरूर बताना मुझे किसका निकला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आलू कैसा निकला है। आलू तो जहां से शुरुआत होती है वहां से ही लोग अंदाजा करने लगते हैं कि आलू का मतलब कैसी पैदावार है कैसा क्या है, तो इस बार आलू में कोई झुलसा मुलसा नहीं आया, निरोग आलू रहा, तो उससे लोगों को लगा कि फसल तो बंपर है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद क्या हुआ, जो आलू अक्टूबर में गड़े थे, हमारे यहाँ इस बार आलू 15 अक्टूबर से गड़ना चालू हुआ था, तो जो आलू अक्टूबर में गड़े हुए थे 31 अक्टूबर तक लगभग लगभग जो है जो गड़ गए थे उसमें तो पैदावार वास्तव में अच्छी निकली, तो उससे लोगों ने ये मन बना लिया कि पैदावार तो वास्तव में बंपर है बंपर है। लेकिन जो जो 15 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक जो आलू गड़े हुए थे तो वो तो मोस्टली कच्चे में निकल गए, कच्चे में निकल गए, और इसके बाद जो फसल बची लास्ट अक्टूबर की, तो जो लास्ट अक्टूबर की होगी उसके अच्छे निकले होंगे, और जिसने नवंबर में आलू गाड़ा है उसका आलू जो है कम निकलेगा, और जो खोद रहा है वो देख लेना आप, और मुझे कमेंट करके बताना कि नवंबर गड़ा हुआ आलू आपका कैसा निकल रहा है। तो नवंबर के गड़े हुए आलू जो है वो कम निकलेंगे और अक्टूबर के गड़े हुए आलू सही, लेकिन लोगों ने मन वहीं से बना लिया था कि अक्टूबर में जो पैदावार आई और उस टाइम पे आलू में कोई बीमारी नहीं थी, कोई चेचक नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अभी आधा आलू बीमार आ रहा है मंडी में, मतलब चेचक बहुत है, तो चेचक वाला आलू स्टोर भी नहीं करेगा किसान, क्योंकि जो 100 रुपए और 150 रुपए कुंतल बिक रहा है तो उसको स्टोर करके क्या फायदा, क्यों स्टोर में तो 150 रुपया पैकेट का, 130 रुपया पैकेट का भाड़ा, मतलब स्टोर ले जाने में और निकालने में तक जो है कम से कम 200 रुपया पैकेट का खर्चा आ जाता है, और अच्छे आलू बिक रहे हैं यहाँ पे 300 से लेके 400 रुपया और मैक्सिमम 500 रुपया कुंतल के बिक रहे हैं, तो जो बढ़िया आलू है वो तो साउथ लोड हो जाते हैं। इसके बाद बचे जो मतलब 400 रुपए और 350 रुपए वाले, तो वो कोल्ड स्टोर में लोग अभी ले जा रहे हैं थोड़ा बहुत, और किसान सोचता है जो 150 रुपए पैकेट का आलू है उस पे मैं 200 रुपया खर्चा करके कोल्ड में डालूं तो
तो इसलिए उसने कोल्ड में डालना उसको उचित नहीं समझा कि कहीं थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया तो मुझे पैसे लेने के बजाय देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा 150 रुपए का आलू है और 200 रुपया इस पे खर्चा आएगा, तो अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया तो मुझे पैसे लेने के बजाय देने पड़ जाएंगे। तो इसमें आम किसान जो है कोल्ड की तरफ मूव नहीं हुआ और उसने कोल्ड में आलू नहीं रखा। जो किसान नौकरी करते हैं या उनके पास दूसरा धंधा है, जिनके पास पैसे की गुंजाइश है, तो उन लोगों ने जो है आलू अपना कोल्ड में रखा है और रख रहे हैं, क्योंकि वो उनको रिस्क लेने की क्षमता है। और जिसमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी तो उसने वो आलू कोल्ड में नहीं रख रहा है। और एक चीज कहावत है कि नो रिस्क नो गेम। और आलू मंडी ज्यादा पहुंचने की वजह क्या रही? जैसे कुछ लोग सोचते थे कि मतलब किसान जब 200 रुपए आलू बिक रहा है, 300 रुपए कुंतल आलू बिक रहा है, तो किसान बेच क्यों रहा है? अरे भैया, किसान की मजबूरी है कि जब वो आलू खुदाएगा, जो लोग सिर्फ और सिर्फ खेती पे निर्भर हैं उनसे पूछो जाके कि वो बताएगा आपको कि आलू क्यों बेच रहा है आदमी। 200 रुपया, 2000 रुपया बीघा की खुदाई पड़ती है और ट्राली आदमी लेके जाता है एक, मतलब खेत में बोई मतलब निकलेगा आपका 50 पैकेट के आसपास, 60 पैकेट, तो 25-30 कुंटल आलू जो 7-8 हजार रुपए का होता है। तो अगर 10-20 बीघा आलू है तो उसको मतलब 2000 रुपए बीघा के हिसाब से आप समझ लो, 10 बीघा अगर आलू होगा उसके बाद तो 20 हजार रुपया उसको खुदाई के लिए चाहिए, तो वो 20 हजार रुपया खुदाई का दे कहां से? उसको देना तो आलू में से ही पड़ेगा। तो जब उसका आधा आलू बिक जाएगा तब वो अपने खेत की खुदाई निपटा पाएगा और थोड़े बहुत बचेंगे तो उससे मक्का मूंगफली जो भी बीज बीज करना है वो कर पाएगा। तो इसलिए जिन किसानों के पास आलू था जो निरानिर खेती पे निर्भर हैं, वो उनका आधा आलू बिक गया, मजबूरी में उनको सेल करना पड़ा कि नहीं तो उसकी खुदाई नहीं निपटेगी और नहीं तो उसकी मक्का नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मंडी में आमद जो है बिक्री में ज्यादा रही और कोल्ड की लिवाली रही नहीं, क्योंकि आदमी की धारणा बनी हुई थी कि कोल्ड में आलू जो है रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आलू तो बहुत ज्यादा है और आलू कोल्ड तो भर जाएंगे सब, तो फिर आलू के अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। अब ये तो सवाल ये साथ में ही आ गया कि आलू की पैदावार कैसी है। मैंने आपको बताया जो अक्टूबर के आलू गड़े हुए हैं उसमें पैदावार अच्छी थी, और जो आलू नवंबर में गड़े हैं उसमें पैदावार अच्छी नहीं है, और आप लोग अपना अपना एनालिसिस करके देख ले। और दूसरा जो हाइब्रिड आलू थे उसमें पैदावार अच्छी, मैंने 13 वेराइटियां गड़ाई हैं जिसमें हाइब्रिड भी है और वैसा भी आलू है, तो मैंने सबका एनालिसिस किया। मैं ऐसे ही नहीं बात करता हूँ कभी भी कुछ भी। तो जो हाइब्रिड आलू है वो तो अच्छे निकल ठीक निकल रहे हैं, और जो हाइब्रिड नहीं है जैसे चिप्सोना है या 3797 है या मतलब हाईलैंड वगैरह है या G4 है या श्रीनाथ है, जो आलू मतलब 120 दिन में होता है, 4 महीने में होता है, उसमें वो पैदावार नहीं आएगी जो हाइब्रिड में मिल गई। तो वो पैदावार जो है दूसरे हाइब्रिड में ठीक ठाक है, उसको मैं कम नहीं बोलूंगा, हाइब्रिड में पैदावार ठीक है, बढ़िया जो पैदावार मिलनी चाहिए वो मिली, लेकिन दूसरे आलू में जो है पैदावार कम मिलने के चांस हैं, और आप लोग अपना एनालिसिस जो है कर सकते हैं। आलू की गड़ाई इस बार कैसी हुई? जैसे कि ये शुरुआत से ये एक रूमर चला कि आलू की गड़ाई ज्यादा है। हाँ ठीक है, मतलब ज्यादा थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि गड़ाई 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना हो गई, ऐसा नहीं हुआ। फरुखाबाद की सारी जमीन में वैसे भी आलू ही होता है, और नहीं तो मुझे बताए कोई कि आलू की सीजन में वो क्या करता है। और दूसरा केवल ले दे के सरसों बो सकता है उस टाइम पे, तो सरसों तो अभी भी खड़ी दिख जाएंगी, अगर आप क्षेत्र का भ्रमण करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरसों कितनी बोई है। सरसों किसी की 10 बीसे है, किसी की 5 बीसे है, किसी की एक पखिया सरसों है खाली, ऐसी सरसों है, किसी की 4-5 बीघा सरसों वाला किसान यहां से ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो है टोटल आलू ही होता है, तो जिसमें हर पूरी जमीन में आलू ही होता है तो उसमें कितना बढ़ेगा? यहाँ बढ़ता है क्षेत्रफल गंगा पार से, क्योंकि गंगा पार में कम क्षेत्र में आलू होता है, ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं सरसों होती है, तो वहां पे थोड़ा सा आलू जो है प्लस हो जाता है। क्यों? गंगा पार के लिए इस बार सिचुएशन भी अनुकूल नहीं, क्योंकि वैसे मतलब जब आलू की कड़ाई का टाइम आता है तो बाढ़ बाढ़ आ जाती, बेचारे लोग लेट हो जाते, वो गाड़ नहीं पाते थे आलू। इस बार कोई बाढ़ 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 आई थी, लेकिन आते आते वो रुक गई, नदी की सतह तक ही आई और वहीं तक रुक गई, तो इसके बाद किसी के खेतों में पानी नहीं आया, तो उन्होंने आलू की गड़ाई ठीक ठाक कर ली। तो
तो वहीं से आप जो है 2-4% एरिया टोटल में प्लस मान सकते हैं, 2-4% प्लस, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना आलू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब की सब अफवाहें हैं और सब की सब गलतफहमियां हैं। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं, इस बार जो कच्चे में आलू खुदे, जो लोग हमारे यहां सितंबर में गाड़ के नवंबर में खोदने लगते हैं, तो इस बार किसी ने भी दोबारा आलू नहीं लगाया है। हर आदमी ने गेहूं बोया क्योंकि गेहूं का रेट रहा 30 रुपए, 32 रुपए, 27 रुपए, ऐसे गेहूं के रेट रहे, तो आदमी की हवा खराब हो गई और उसने वहां पे आलू बोना जो है उचित समझा, अब गेहूं बोना उचित समझा, आलू को दोबारा गाड़ने जो है उचित नहीं समझा। ऐसे ही आपको किसी किसी गांव में इक्का दुक्का मेड़ मिल जाएगी जिसमें जो है आलू गड़ा होगा दोबारा, नहीं तो इस बार आलू की दोबारा गड़ाई कतई नहीं है। कच्चे में खुदाई इस बार बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि गेहूं की बुवाई की वजह से कोई ऐसा किसान नहीं रहा जिसने अपनी जरूरत भर को इस बार गेहूं बोया नहीं है, तो इस बार कच्चे में खुदाई बहुत ज्यादा हुई और दोबारा आलू गड़ा नहीं है, तो जो आलू था, लेकिन पिछली साल में उस साल में यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि पिछली साल जो आलू सितंबर में खुदे थे, सितंबर में गड़े गए थे और नवंबर में खुदे, उसमें सब में दोबारा आलू लग गया था और इसके बाद आलू को बेचने का चांस नहीं मिला, तो आदमी ने मतलब आलू बेच नहीं पाया और सारा का सारा आलू पक्के में जाके खुदा। तो पिछली साल जो है दोबारा आलू की गड़ाई बहुत थी और इस बार दोबारा आलू की गड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आलू की पैदावार जो है ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। थोड़ा बहुत एरिया जो प्लस भी होगा तो वो इससे जो है मैनेज हो जाएगा कि दोबारा आलू की गड़ाई नहीं हुई और लोगों ने खुदाई ज्यादा करी, तो इसी वजह से आलू एक्सेस हो ही नहीं सकता। खुदाई अभी तक जो है कैसी क्या कंडीशन चल रही है, खुदाई हमारे यहां जो है, अगर इधर कमालगंज ब्लॉक की बात करूं तो कमालगंज में आपको मेरे ख्याल से जो है 80% के आसपास खुदाई जो है हो चुकी है। यहाँ पे खुदाई का पीक हवर खत्म हो चुका है और अब खुदाई ढलान की तरफ आ गई है, तो अब जो है इक्का दुक्का खेतों में खुदाई आपको, मतलब कम खेतों में खुदाई दिखेगी और कहीं कहीं पे जैसे मतलब छटाई भी नहीं चल रही है, और इससे पहले अगर आप देखते तो हर खेत में लेबर ही लेबर दिख रहा था, तो इसका मतलब यह है सीधा सा कि आलू का पीक टाइम जो है वो निकल चुका है। हाँ, कोल्ड स्टोरों का ये पीक टाइम हो सकता है कि वो छटाई बिराई करके जो है वो ले जा रहा है, हर आदमी अभी कोल्ड की तरफ टूटा है। हमारे जहानगंज में कल कोल्डों में लाइनें भी लगी और उसकी भी बहुत बड़ी वजह है लाइन क्यों लगी, क्योंकि जो जहानगंज और छिबरा मऊ के बीच में काली नदी है, जो पुल जो है दोनों जगहों को जोड़ता है, तो वो पुल जो है चलने लायक नहीं है, इस पे भरा वाहन जो है पास नहीं होने देते हैं, तो इसलिए छिबरा मऊ के किनारे नदी के किनारे तक का आदमी उसको आलू जहानगंज लेके आना पड़ा, तो इसके लिए छिबरामू में लाइनें लगी। बाकी फरुखाबाद में कोई लाइन नहीं है, इक्का दुक्का कोल्ड जो है जो सिटी के अंदर है जहां पे आलू का बीज भी जो है जो अच्छा बिकता है, तो वहां पे कुछ लाइनें आपने देखी होगी, हो सकता है, और लाइनों की भी वजह है। एक लाइन क्यों, लाइन लगने से ऐसा नहीं है कोल्ड स्टोर भर गया, किसी कोल्ड स्टोर के पास जो है लाइन लग गई तो इसका मतलब ये नहीं भर गया। कोल्ड स्टोर के, हर एक कोल्ड स्टोर की अपनी क्षमता होती है कि वो कितना आलू उतार पाएगा और वो उसी हिसाब से रखता है कि जैसी उसकी कैपेसिटी होती है। किसी की 2 लाख की कैपेसिटी है तो वो रखता है ऐसे, मतलब 6-7 हजार पैकेट उतर जाए मेरे, 8 हजार पैकेट उतर जाए, तो वो हिसाब से लेबर रखता है। जिसकी 3-4 लाख की कैपेसिटी है वो सोचता है 10-12 हजार पैकेट उतर जाए, इतनी ही उतारने की क्षमता होती है लगभग, किसी किसी के पास थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है। तो आलू जब इकट्ठा डर में जो है इकट्ठा खुदा, भय में किसान भयभीत हो गया, उसने सोचा हो सकता है बाद में कोल्ड भी ना पड़े, तो उसने एकदम खोद डाला सब, कच्ची बेल का, पक्की बेल का, कैसा भी आलू था उसने, मैं तो ये कहूंगा कि नोच डाला उसने, खोदा नहीं है, नोच डाला उसने। जो लाइनें लगी, तो जब एक कोल्ड स्टोर के उतारने की कैपेसिटी है 6,000 बोरा की या 10,000 बोरा की, तो 10,000 बोरा के आगे कोल्ड स्टोर के सामने लाइन लग जाएगी 20,000 बोरा की, एकदम जब आदमी पहुंचेगा आदमी सोचता 4 ही दिन में सब पड़ जाए, तो 20,000 कैसे उतार पाएगा वो, वहां का वर्कर नहीं उतार पाएगा ना 20,000, तो 20,000 के लिए उसको गेट बंद करना पड़ेगा, और गेट बंद होगा तो बाहर जो है लाइन लग जाएगी। तो इस लाइन लगने से ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि कोल्ड भर गए इसलिए लाइन लगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की उतारने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है जितना आलू इकट्ठा पहुंचा है, इस वजह से आलू नहीं उतर पाए।
और इस वजह से कहीं कहीं पे गेट बंद हुए। और वैसे आलू किसी का भी कोल्ड स्टोर जो है, जो ऐसी रिपोर्ट है कि बढ़िया कोल्ड स्टोर जो है वो 50% हो गए हैं, लगभग 50% थोड़े ऊपर भी हो सकते हैं। और बहुत सारे कोल्ड स्टोरों में जो है वो मतलब 30% है, कोई 20% है। तो ऑन एवरेज मेरे ख्याल से अभी मतलब 35-40% से ज्यादा कोल्ड स्टोर होने नहीं चाहिए, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है। जो मैंने लोगों से बात करी, कि मैंने उन लोगों से बात करी जिन लोगों के यहाँ पे क्षमता, दो दो दिन पहले बात करी, क्योंकि अभी तो हर रोज 10,000-20,000 प्लस हो जाता है। तो 2 दिन पहले जब बात करी थी तो मतलब जिनके पास 2 लाख की क्षमता थे, तो बोले कि मतलब 6-7 हजार पैकेट डेली का गिर रहा है, और हमारे पास जो है 50,000 पैकेट आ चुका है। तो वो हिसाब से देख लो कि कितना बढ़ गया होगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा उससे हो गया होगा। तो कोल्ड स्टोरों की जो पोजीशन अभी की है वो ये है, और जिस जल्दबाजी में आलू खत्म हो रहा है वो हिसाब से जो है कोल्ड स्टोर किसान के आलू से भरते नहीं दिख रहे हैं। और वैसे कोल्ड स्टोर भरने को तो इसलिए बाकी नहीं रहेंगे क्योंकि आलू 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए पैकेट में आलू मिल रहा है। तो कोई भी कोल्ड स्टोर मालिक इतना सक्षम होता है कि वो 100-150 रुपए पैकेट का तो आलू लेके भर ही सकता है। तो इस वजह से कोल्ड स्टोर जो है धीरे 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 जो जिन जिनका खाली रह जाएगा वो बाद में भर लेगा उसको, लेकिन किसान के आलू से कोल्ड स्टोर भरना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका नजरिया कुछ और भी हो सकता है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपका नजरिया हो सकता है अलग, मेरा नजरिया ये है। और मैंने अपनी प्रतिक्रिया इसलिए दी कि बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे पूछ रहे थे, यार बताओ बताओ बताओ, क्योंकि बड़ा संवेदनशील सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इस पे मतलब सोच रहा था कि ना बात करूं, बचूं इससे। लेकिन लोग कह रहे थे, तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सिर्फ सुने, आकलन अपना करें, अपने दोस्तों से पूछे, रिश्तेदारों से पूछे, कोल्ड वालों से पूछे, मंडी वालों से पूछे, और अपना दिमाग लगाए, उसके बाद ही डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया है तो इसके आप एकदम जाके यार कोल्ड में भर दिया या बेच दिया या रोक दिया, ऐसा ना करें प्लीज। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब बात आती है कि आगे जो है बंगाल में पोजीशन क्या है। इस बार बंगाल से बड़ा बम फूट सकता है, क्योंकि बंगाल से अभी सब लोग यही सुन रहे थे कि बंगाल में पैदावार बहुत बम्पर है, बहुत बम्पर है, बहुत बम्पर है। इसीलिए यहां सब रूमर फैला कि जब बंगाल में ही बम्पर है, और बंगाल और यहां पे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रिलेशन है आलू के लिए, अगर बंगाल में आलू एक्सेस हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का आलू अच्छा नहीं बिकेगा, अगर उत्तर प्रदेश में आलू अच्छा हो जाता है तो बंगाल में आलू अच्छा नहीं बिकेगा। तो दोनों जगह जो है पोजीशन बहुत मायने रखती है। तो लोगों ने यही सोचा जब बंगाल में भी बंपर पैदावार आए और उत्तर प्रदेश में भी बंपर पैदावार आए तो आलू का तो होगा क्या, तो वहीं से टेंडेंसी बन गई कि नहीं, आलू का तो इस बार कुछ होना ही नहीं है। लेकिन बंगाल में होगा इस बार उल्टा। बंगाल में वो पैदावार जो मैंने अपने लोगों से संपर्क सूत्रों से बात की है कि बंगाल में पैदावार कम निकलेगी, उसका बहुत बड़ा रीजन है एक, कि बंगाल में कम से कम 50-60% लोगों ने बीज अपना गाड़ा है, वो भी ज्योति वाला जो आलू कोल्ड स्टोर में पड़ेगा। पुखराज वाला उन्होंने पंजाब वाले लोगों का गाड़ा था, तो पंजाब वाले पुखराज में, जैसा यहाँ पे अक्टूबर के गड़े हुए आलू अच्छे निकले वैसे वहां पे पुखराज आलू अच्छे निकले, जिन्होंने पंजाबियों का बीज लेके गाड़ा था और उसमें अच्छे निकले, तो उसी हिसाब से लोगों ने आकलन कर लिया कि पैदावार अच्छी निकलेगी। लेकिन अगर बंगाल के बीज में भाई साहब पैदावार अगर बंपर आ जाएगी तो पंजाब वालों को चाट बनाना पड़ेगा, फिर पंजाब वाले आलू का क्या करेंगे? कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। राजस्थान, एमपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे मौसम जो है यहां से ज्यादा गर्म होता है, तो गर्म मौसम का बीज जो है अनुकूल नहीं रहता है। हालांकि उसमें पैदावार तो आएगी लेकिन पैदावार कम आएगी। तो जब 60% बीज उन्होंने अपना लगाया है तो उसमें पैदावार अच्छी आने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मैंने आलू देखे नहीं है अभी उनके, और अभी वहां पे ज्योति आलू की खुदाई भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जब खुदेगा तो मुझे 100% मैं श्योर हूं कि उसमें पैदावार कम निकलेगी। क्योंकि
जो गर्म जगह का बीज है और वही आप दोबारा रिपीट करोगे तो उसमें पैदावार अच्छी नहीं आती है। उत्तर प्रदेश का बीज रिपीट हो जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम उसके अनुकूल है, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बंगाल का मौसम जो है बीज के अनुकूल नहीं है, इसलिए ये लोग कभी भी अपना बीज नहीं लगाते हैं। हमेशा जो है बीज पंजाब से खरीद के या कहीं दूसरी जगह से जहां से भी सुटेबल रहता है वहां से खरीद के बीज लगाते हैं ये। तो इसलिए बंगाल की पैदावार जब आएगी तो आपको सबको पता चलेगा कि क्या पैदावार है, और यही जो है मार्केट का टर्निंग पॉइंट होगा। एक जब वहां पे आलू खुदाई शुरू होगी तो मार्केट का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। आगे आलू के भाव कैसे रह सकते हैं ये मेरा अपना मानना है, आपका सोचना अलग हो सकता है और मेरा सोचना गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ सब सही सही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, आपका सोचना अलग हो सकता है और मेरा सोचना गलत हो सकता है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि होली तक, होली है 8 तारीख को, तो मतलब फरुखाबाद का आलू लगभग लगभग जो है 7 तारीख तक जो है मतलब कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाएगा, या तो वो मार्केट में लग जाएगा या वो डब्बे में लग जाएगा या वो कोल्ड स्टोर में लग जाएगा। बचेंगे दो एरिए आपके, मोहम्मदाबाद एरिया बचेगा, मोहम्मदाबाद में जहां पे अभी खुदाई बता रहे लगभग आधी आधी है, 50% के आसपास खुदाई है, और अमृतपुर का एरिया जो है, अमृतपुर में खुदाई अभी जस्ट शुरू हुई है, मतलब 10-15% जो भी खुदाई हो जस्ट वहां पे शुरू हुई है खुदाई अभी। अमृतपुर और मतलब गंगा पार का और मोहम्मदाबाद का ही आलू ज्यादा मंडी में आ रहा है, जिसकी वजह से अभी और इधर का भी जो भी आलू है, तो आदमी मतलब तब तक आलू जो है होली तक जो है आलू इधर पहाड़े पे जो है आलू नहीं दिखेगा, और मेरे ख्याल से तब तक अहमदाबाद भी जो है समाप्ति की ओर ही होगा, और लोग बड़ी जोर शोर से जहां पे खुदाई चल रही है वहां पे बड़े जोर शोर से लगे हैं, तो वो हिसाब से आलू मुझे नहीं लगता है फिर उतना रहेगा बाहर। और जब आलू आदमी का ठिकाने लग जाएगा, या तो कोल्ड स्टोर में रख जाएगा, या वो बेच चुका होगा, या उसने डंप लगा लिया होगा, तो होली के बाद जो है मंडी में आवक कम रहने की संभावना है, और होली पे 4 दिन मंडी बंद भी रहेगी तो इसका भी बहुत बड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा। 4 दिन जब मंडी बंद रहेगी तो बाहर की मंडियां जो है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि खाने के लिए तो हर रोज आलू चाहिए, लेकिन यहां से 4 दिन जो है लोडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि लेबर नहीं आता है होली के टाइम पे, तो लोडिंग नहीं हो सकती यहां से। तो जो वहां पे खाने के लिए चाहिए, तो जो उनके पास स्टॉक है वो सारा का सारा स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, फिर उनको नए आलू की मतलब जरूरत होगी, डिमांड होगी, और होली के बाद जो है मतलब आलू मंडी में ये अराइवल नहीं रहनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ, होली के मतलब 2-4-5 दिन तक रह सकती है ये अराइवल, और होली के 2-4-5 दिन के बाद ये अराइवल नहीं रहेगी, अराइवल घटेगी, तो भाव बढ़ने की संभावना पूरी प्रबल है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इस बार जो इसके बाद होली के बाद फिर अभी जो खेतों में तो समेट के जो थोड़ा बहुत 2-4 1 हफ्ता तक चलेगा लगभग खेतों का आलू, और इसके बाद फिर डंप जो है, और डंप जिसने लगा दिया होगा वो एकदम खोलेगा नहीं, वो जब भाव बढ़ेगा तो ही खोलेगा, और या उसका आलू खराब होना चालू हो तो खोलेगा। तो वहां पे मंडी में कम आलू जाएगा, कोल्ड स्टोर का भी जो भी हो गया होगा, और जिनका कोल्ड स्टोर नहीं भरेगा तो वो उसको खरीद के भी रखना पड़ेगा। उस टाइम पे आदमी पछताएगा कि मैंने 150 रुपए पैकेट का आलू क्यों नहीं रखा, तब आदमी सोचेगा कि मैं 150, अरे मैं तो मतलब 150 पैकेट का, 150 रुपया पैकेट का आलू रख लेता तो अच्छा था अभी तो। और जैसे ही ये लोग खरीदने के लिए उतरेंगे तो भाव बाजार का और बढ़ना चालू होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाव जो है इस बार अच्छे रेट में बंद होंगे, जब ये खेतों का आलू डंप का आलू समाप्त होगा तो अच्छे रेट में बंद होंगे, और उसी हिसाब से कोल्ड स्टोर के भाव खुलते हैं, तो कोल्ड स्टोर के भाव अच्छे खुलने की उम्मीद है, और बाकी सारी सिचुएशन जो है होली तक क्लियर हो जाएगी। अब मेरी बात कितनी सही होती है कितनी गलत होती है, होली तक सारा कुछ खेल जो है इसका मतलब ओपन हो जाएगा, क्योंकि बंगाल भी
1 मार्च से पोल खुलते हैं, तो वहां से भी 1 मार्च से लूडिंग शुरू हो जाएगी, खेतों का आलू खोदना चालू हो जाएगा और यहाँ का आलू कितना खत्म हुआ, कितना बच गया वो भी पता चल जाएगा, कोल्ड भर के कोल्ड भर पाए या नहीं भर पाए वो भी पता चल जाएगा, कोल्ड भर के कितना आलू बच गया वो भी पता चल जाएगा। तो होली के बाद सारा जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे कि क्या होता है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने रखा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपका सोचना अलग हो सकता है, मुझसे बहुत डिफरेंट हो सकता है, और एक्चुअली और सबका सोचना अलग अलग होता है, और मैं सभी के विचारों का स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा जो विचार था वो ये है और जो लोगों के कहने पे मैंने रखा, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।